नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का इस ग्लोबल पैंडेमिक बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया है दोस्तों, जाइए सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, एक पॉइंट है जो काफ़ी दिनों से बहुत लोगों के माइंड में है कि कब ये एक्सप्रेस एंट्री फेडर स्किल वर्कर और सीईसी को वापस इन्वाइट करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि मैंने अपना एनालिसिस इसमें दिया है, जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सनल रिसर्च एनालिसिस से बना हुआ है, इसका कोई भी लीगल और गवर्नमेंट वैलिडिटी नहीं है। तो मैं पूरी तरह गलत भी प्रमाणित हो सकता हूँ और ड्रॉ का क्या है भाई, आज रात को भी हो सकती है, गवर्नमेंट के हाथ में। तो दोस्तों, जब ये ड्रॉज बंद किए गए तो उस समय कोविड का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप था और अभी भी कोविड है, कोविड अभी भी ख़त्म होगी हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। ऐसे में गवर्नमेंट ने ये सारे इवेंट सीईसी को भी रोक दिया था ताकि वो बैकलॉग्स पे ध्यान दे सके, और बैकलॉग्स अभी भी है। लेकिन हुआ क्या, एक और क्राइसिस आ गई जो किसी ने प्लान नहीं किया था, वो था भाई यूक्रेन की क्राइसिस, जिसकी वजह से आईआरसीसी को बहुत सारे स्पेशल मेजरमेंट्स और एक्शंस लेने पड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज डेडिकेट करने पड़े हैं। अब अर्जेंट बेसिस, इमरजेंसी बेसिस पर प्रोसेसिंग की जा रही है। तो अब इस लड़ाई के 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो वॉर कब एंड होगी इसका कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये सिचुएशन और भी लंबी खींच सकती है। तो ऐसे में हम लोगों को और भी ज़्यादा डिले के लिए तैयार रहना होगा, नो डाउट, ऐसा मेरा मानना है, बट ये दूसरा भी हो सकता है। तो अब मेरे हिसाब से अगर वॉर ख़त्म भी होते तो भी कुछ हफ्ते या महीने तो लगेंगे ही, ताकि सारी चीज़ें वापस अपनी जगह पर धीरे धीरे मूव करें और आईआरसीसी फिर डेडिकेटेडली अपने अपने सेक्शंस में काम करें। तो आई थिंक अब से 3-4 महीने तो कम से कम लगेंगे भाई, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन देखिए क्या होता है, मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।